ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टायर वन, टायर टू, टायर थ्री कॉलेजेस के बारे में। अभी क्या है, बहुत सारे बच्चों को एडमिशन लेना है और बहुत सारे बच्चे क्या है गलतियां कर देते हैं कॉलेजेस को सिलेक्ट करने के लिए। इसीलिए आपके माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि टायर वन कॉलेजेस कौन कौन से हैं, टायर टू कॉलेजेस कौन कौन से हैं, टायर थ्री कॉलेजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको मैं लिस्ट भी दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर में, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि आप कौन कौन से कॉलेजेस को देख रहे हो, कौन कौन से कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हो। आपको टारगेट करना है सबसे पहले टायर वन कॉलेजेस, वो नहीं हो तो टायर टू कॉलेजेस, वो नहीं हो तो टायर थ्री कॉलेजेस आपको जो है टारगेट करने रहेंगे। बहुत सारे बच्चों को फील नहीं आती, पता नहीं रहता कि यार टायर वन, टायर टू, टायर थ्री कॉलेजेस क्या है, जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके पास में इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आप 2022 के काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है कॉलेजेस को सिलेक्ट करने के लिए, तो आप मेरे पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग केंद्र में एनरोल कर सकते हो। आयुष भैया काउंसलिंग केंद्र में आप एनरोल कर सकते हो। 100 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में जो ऑफर चल रहा है वो चल रहा है 699 रुपीज का। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। पर्सनली मेरे साथ बात करके आपको अगर अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करने हैं, चॉइस फिलिंग करनी है, तो आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। आपको ईमेल आ जाएगा, प्रॉपर आपका एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, आपको ग्रुप के अंदर में ऐड किया जाएगा, फिर मैं आपको पर्सनली जो है कॉल करूंगा एंड आपसे सारी डिटेल्स लेकर के आपके कॉलेजेस की जो डिसीजन मेकिंग है वो मैं आपके साथ में मिल करके आपको पूरा उसके अंदर में सपोर्ट करूंगा। ठीक है ना, अब यहां पर हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास में टायर वन, टायर टू, टायर थ्री कॉलेजेस के अंदर में बहुत सारे बच्चों को पता होता है यार टायर वन कौन सा, टायर टू कौन सा, टायर थ्री कौन सा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो यार देखो, टायर वन कॉलेजेस, टायर टू कॉलेजेस, टायर थ्री कॉलेजेस, इसको जो हम डिवाइड करते हैं, ऐसा कोई ना लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी कि ये टायर वन है, ये टायर टू है, ये टायर थ्री है। ये ना बस बातों बातों में ऐसा बन गया है, कहीं आपको एक लिस्ट नहीं दिखेगा गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट कह दे ये टायर वन कॉलेजेस है, ये टायर टू है, टायर थ्री है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि यार जो हम सिटीज को हम जैसे हम कंपेयर करते हैं कि जो अच्छे अर्बन सिटीज हो गए जहां फैसिलिटीज ज्यादा है, ठीक है, वो काइंड ऑफ टायर वन हो गया। ठीक है, जो हमारे पास में थोड़ा सा क्या है, जैसे सिटी टाउन एंड विलेज, सिटी टाउन एंड विलेज, इस टाइप की जो चीज होती है हमारे पास। सिटी को सिटी क्यों बोलते हैं, उसमें फैसिलिटीज ज्यादा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये है वो है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, अलग अलग टाइप के फील्ड है, लाइफ अच्छी है। ठीक है, टायर टू में क्या होता है, मीडियम हो जाता है। टायर थ्री में क्या हो जाता है, विलेज के अंदर में क्या होता है, एक दो ही जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, आप खेती कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। ठीक है, मेहनत ज्यादा करके कम इनकम होता है, मतलब फिजिकल मेहनत की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, सड़कें उतनी अच्छी नहीं है, उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, लोग ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से जो है, मतलब लोग प्रेफर क्या करते हैं, शहर में रहना प्रेफर करते हैं, तो वैसे ही कॉलेज में लोग क्या प्रेफर करेंगे, टायर वन कॉलेजेस को प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, चीजें बदल जाती है। यहाँ पर क्या है, NIRF रैंकिंग देखी जाती है, प्लेसमेंट्स देखे जाते हैं, कैंपस देखा जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, एग्जाम जो आप देते हो उसके थ्रू आपको जो कॉलेजेस मिलते हैं, वो एग्जाम कितना टफ है उस पर भी डिपेंड करता है कि वहां का माहौल कैसा होगा, कितने क्वालिटी के बच्चे वहां पर जाएंगे, एलुमनाई नेटवर्क वहां पर किस तरीके का है, बहुत सारे फैक्टर्स को देख करके जो हमारे उसमें टायर डिसाइड करा जाता है। और आप डिबेट भी कर सकते हो कि नहीं यार ये कॉलेज टायर टू का है, ये थ्री का है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। आप बोलो नहीं मैं नहीं मानता कि कोई बच्चा बोले VIT टायर टू कॉलेज है, कोई बच्चा बोले नहीं मैं नहीं मानता टायर टू है, टायर थ्री है, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बट ये बात आप ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ NIRF रैंकिंग को देखते हुए टायर्स डिसाइड नहीं होते हैं। आप ऐसा मत सोचना कि NIRF में जो है ये टॉप 20-25 कॉलेजेस है तो ये टायर वन होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। NIRF रैंकिंग एक फैक्टर है, उसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, और NIRF रैंकिंग भी जो बनती है ना वो भी बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए बनती है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो NIRF रैंकिंग एक अलग चीज हो गई। रैंकिंग को आप देखोगे लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं देखोगे। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि कोई कॉलेज मान लो टॉप 15 में है, सपोज आपको दिख रहा है कि VIT आपका बिट्स पिलानी के ऊपर है लेट से, तो आप उसको मान नहीं लोगे कि सच में VIT बिट्स पिलानी के ऊपर है। ठीक है, आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने पड़ेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो NIRF रैंकिंग को सिर्फ कंसिडर नहीं करना है। अब बात करते हैं टायर्स ऑफ कॉलेजेस के बारे में। तो टायर वन, मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर में, टायर वन कॉलेजेस में हमारे जितने भी टॉप IITs NITs होते हैं, ठीक है, टॉप के जो IITs NITs होंगे वो हमारे पास में टायर वन के अंदर में आता है। अब इसमें क्या होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस जैसे बिट्स पिलानी हो गया, उसको आप टायर वन के अंदर में रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो,
मैं आऊंगा तो मैं रख दूंगा, क्यों? क्योंकि कैंपस अच्छा है, ठीक है, कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत मुश्किल से बिट्स का एग्जाम क्रैक होता है, बच्चों को वहां पे मिलता है अच्छे स्कोर लाने पे, आगे जाकर के प्लेसमेंट्स अच्छी है। बच्चे बोलेंगे फीस ज्यादा है, वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर हम बाकी सारी चीजों को कंसिडर करेंगे तो ओवरऑल बिट्स पिलानी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। मतलब 100 बच्चे अगर होंगे, अगर आप सर्वे करोगे और 100 बच्चों को बोला जाए बिट्स पिलानी आपको मिल रहा है और वीआईटी वेलोर भी आपको मिल रहा है, तो 100 में से 95 बच्चे बोलेंगे कि मेरे को बिट्स पिलानी जाना है, ठीक है। तो बिट्स पिलानी की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, क्यों हाई है? क्योंकि बिट्स पिलानी एनआईआरएफ रैंकिंग में आपको पीछे दिखेगा, बट एक्चुअल में आपको देखना तो बिट्स पिलानी काफी अच्छा कॉलेज है। So, ये आप सोच सकते हो कि बिट्स पिलानी को रख दिया। अब जैसे बंगाल के अंदर में जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वो बाप कॉलेज है, जादवपुर यूनिवर्सिटी इज लाइक आईआईटीज ओनली, ठीक है, नाम में आईआईटी नहीं है तो क्या हुआ, वो है आईआईटी के टक्कर का, बहुत सारे आईआईटी से बेटर भी है। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी को आप टायर वन के अंदर में रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारे आईआईटीज एनआईटीज ही टायर वन में होंगे, नहीं, बहुत सारे आईआईटीज और एनआईटीज टायर वन में है ही नहीं। अब बच्चे गलती यही करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार हम कोई सा भी आईआईटी ले लेंगे, कोई नया आईआईटी खुला है 2-3 साल हुए हैं उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये सोच के तो आईआईटी है, लेकिन एक्चुअल में वो टायर वन कॉलेज है ही नहीं, वो टायर टू कॉलेज है। उससे बढ़िया आप किसी अच्छे एनआईटी में लेते तो वो टायर वन कॉलेज होता, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो बच्चे क्या टैग के चक्कर में पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा। मेरे दिमाग में भी एक टाइम पे था जब मेरा जे एडवांस का रिजल्ट आने वाला था ना, तो मैं ना कहता था कि मेरे को आईआईटी में कुछ भी मिल जाए, पीछे का कुछ भी मिल जाए मैं ले लूंगा, जहां मेरी एनआईटी में मेरे को अच्छे ब्रांचेस मिल रहे थे। मतलब अगर मैं होम स्टेट से लेता तो एनआईटी दुर्गापुर में मेरे को कंप्यूटर साइंस मिलता, मैंने अदर स्टेट में एनआईटी त्रिची में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लिया, ठीक है, अच्छे एनआईटी से पढ़ने के बदले मैं कुछ भी, मतलब माइनिंग वाइनिंग कुछ भी जिसका मेरे को आता पता भी नहीं है, फील्ड कुछ खराब नहीं होता लेकिन उसके आता पता तो आपको कुछ हो, कुछ तो सेंस हो, आपको लगे तो सही कि हाँ आप वो चीज कर सकते हो, कुछ भी लेने को मैं तैयार था। बच्चे ये गलती करते हैं, ठीक है, आईआईटी के टैग के चक्कर में टायर टू कॉलेजेस ले लेते हैं। तो अच्छे आईआईटीज और अच्छे एनआईटीज जो होते हैं वही टायर वन के अंदर में होते हैं, टायर टू के अंदर में आपके बाकी के एनआईटीज आईआईटीज होते हैं, आपके डीटीयू एनएसयूटी, ठीक है, वीआईटी को आप मान सकते हो टायर टू के अंदर में, कुछ लोग बोलेंगे नहीं टायर थ्री है, तो ये एक डिबेटेबल चीज होता है आपके लिए, इन कॉलेजेस को आप जो है टायर टू के अंदर में मान सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर थोड़ी लिस्ट भी दिखा दूंगा, ये लिस्ट में आप थोड़ा बहुत डिसएग्री कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आप डिसएग्री इसके अंदर में कर सकते हो। अब बात करते हैं टायर थ्री कॉलेजेस के लिए, तो हमारे जितने भी स्टेट के कॉलेजेस होते हैं, लोकल कॉलेजेस जो भी होते हैं, वो टायर थ्री के हो गए हमारे पास में, और हमारे पास में जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है लेकिन उतने अच्छे नहीं है, ठीक है, वीआईटी को आप टायर थ्री में भी मान सकते हो, और बाकी जो हमारे पास में प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसको आप टायर थ्री के अंदर में मान सकते हो, ठीक है। तो जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं सिर्फ वही टायर वन टायर टू के अंदर में होते हैं, बाकी सारे टायर थ्री के अंदर में होते हैं, क्योंकि आपको प्लेसमेंट्स कंसिडर करना पड़ेगा, आपको वहाँ की आप जो एग्जाम देकर के जा रहे हो, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है जो बोर्ड के बेसिस पर एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के कॉलेजेस को आप टायर वन थोड़ी बोलोगे, वहां पर अच्छा क्राउड थोड़ी होगा, वहां तो कोई से भी बच्चे चले जाएंगे, टफ जितना एग्जाम होगा, जितना टफ उसको क्वालिफाई करना होगा, जितना टफ एडमिशन लेना होगा उतना अच्छा कॉलेज होगा, और फिर वहां पर प्लेसमेंट्स मैटर करती है, कैंपस लाइफ मैटर करती है, फैसिलिटीज मैटर करती है, यू नो, खान पान, हॉस्टल फैसिलिटीज, फैकल्टीज, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, एलुमनाई नेटवर्क मैटर करता है, और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे टायर जो है वो डिसाइड होते हैं। बट जनरल आपको यार टायर वन टायर टू टायर थ्री के बारे में समझा दिया, कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस भी आपको यार दिखा दिए, एक माइंडसेट आपका बन गया होगा कि आपको समझ में, आप क्लियर एक डिसीजन ले पाओ कि हाँ यार आपको टायर वन के अंदर में जाने की कोशिश करनी है, आपको टैग नहीं देखना है कि यार आईआईटी का कोई घटिया सा आईआईटी मिल रहा है, आपको वो नहीं लेना, आपको अच्छे एनआईटी लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपको टायर थ्री कॉलेजेस तभी लेने हैं जब आपको टायर वन टायर टू के अंदर में कुछ नहीं मिल रहा हो, तो आप स्टेट के अंदर में कोई गवर्नमेंट कॉलेज ले लो अगर मिल सके तो, ठीक है, सस्ते में काम निपट जाए। टायर थ्री के अंदर में क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको देखना पड़ता है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो और अगर आपने उतना अच्छा आपका प्लेसमेंट वगैरह वहां नहीं लगा तो आपके पैसे, मतलब आप लगाओगे 20 लाख और फिर 4 साल 20 लाख लगाओगे, फिर उसके बाद में 4-5 साल लगेंगे 20 लाख को वापस लेने में, तो आपके घर की पूंजी 9-10 साल में बराबर रहेगी, क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कंसिडर करने के लिए, इसीलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग टायर्स ऑफ कॉलेजेस के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी यार आप अगर काउंसलिंग के अंदर में पार्ट ले रहे हो 2022 के अंदर में, हमने आयुष भैया काउंसलिंग लॉन्च किया है, पर्सनल काउंसलिंग हमारे पास में कोई और आपसे बात नहीं करेगा, सबसे खास बात यह है, और सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ऑल ओवर इंडिया आप कोई से भी काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो, जोसा हो, सीसैब हो, स्टेट काउंसलिंग हो, उसके अंदर में आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करना है, एक रजिस्ट्रेशन पे आपको सारे काउंसलिंग की जो गाइडेंस मिलती है, चाहे आपका कॉमेट के हो, कोई से भी काउंसलिंग आप करो, तो एक रजिस्ट्रेशन के अंदर में आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है, और पर्सनली आपकी मेरे साथ बात होती है और मैं आपके जो है मदद करता हूँ आपके चॉइस फिलिंग वगैरह में, ठीक है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप जाकर के एनरोल कर सकते हो जितने भी 2022 वाले बच्चे हैं, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।